मरघट में भीड़ है या मजारों में भीड़ है, मरघट में भीड़ है, मरघट में भीड़ है या मजारों में भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निजाम और, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निजाम और। नमस्कार, इर्द गिर्द में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हूं। मैं आ पाया ये प्रभु की कृपा है। बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं हम। सच ये है कि एक सूखे पत्ते की तरह हैं। पता नहीं कब एक हवा का झोंका आए और हम डाल से अलग हो जाएं, उड़ जाएं। बहुत से साथी हमारे इस बीच बिछुड़ गए, बहुत अग्रज बिछुड़ गए, कुछ मित्र, कुछ नातेदार। अभी भाई सुधीजीत ने खबर दी कि कोलकाता की सुजाता जी इस महामारी का शिकार हो गई। मेरा उनसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन उन्हें जितना सुना वो मुझे अच्छा लगता था, भाती थी, उनकी आवाज अच्छी थी। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और भी बहुत सारे मित्र हैं। मैं दरअसल पिछले दिनों यूट्यूब से थोड़ा सा दूर था, विमुख था, आ नहीं सका, इसलिए मुझे ये भी ठीक से जानकारी नहीं है। खैर छोड़िए, मैं सभी को सादर नमन करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी खैरियत का हाल दें। मैं अब ठीक हूं, आपके सामने हूं। वक्त है, गुजर जाता है और वक्त चलता रहता है। बहुत याद आती है मुझे बांके भाई के गिटार की, छाया के गीतों की। अपने रीवा वाले विजय जी की बहुत याद आती है। उनकी कोई कुशल क्षेम मुझे इस वक्त मेरे पास नहीं है। बहुत दिन से उनका कोई नोटिफिकेशन भी मैंने बीच बीच में जब भी देखा मुझे दिखाई नहीं दिया। मिठू जी दिखाई दी, तपन जी दिखाई दिए और बहुत सारे लोग। चलिए, ये अनंत बातें हैं। मैं आपको आज एक गजल सुनाता हूं मेरे प्रिय शायर, प्रिय लेखक, रचनाकार स्वर्गीय दुष्यंत जी की रचना है। दुष्यंत जी की गजलें मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं और आपको भरपूर प्यार मिला है। ये गजल मैं सुरों की मल्लिका प्याली से इनको समर्पित करता हूं। इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, या इसमें रोशनी का करो कुछ इंतजाम और, कुछ इंतजाम और। आंधी में सिर्फ हम ही उखड़कर नहीं गिरे, आंधी में सिर्फ हम ही उखड़कर नहीं गिरे, इसमें जुड़ा हुआ था, इसमें जुड़ा हुआ था कोई एक नाम और, इसमें जुड़ा हुआ था कोई एक नाम और। इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और। मरघट में भीड़ है या मजारों में भीड़ है, मरघट में भीड़ है, मरघट में भीड़ है या मजारों में भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निजाम और, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निजाम और। घुटनों पे हाथ रख के, घुटनों पे हाथ रख के खड़े थे नमाज में,
घुटनों पे हाथ रख के खड़े थे नमाज में, आ जा रहे थे लोग, आ जा रहे थे लोग जहन में तमाम और, आ जा रहे थे लोग जहन में तमाम और, इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और। हमने भी पहली बार चखी तो बुरी लगी, हमने भी पहली बार चखी तो बुरी लगी, हमने भी पहली बार चखी तो बुरी लगी, कड़वी तुम्हें लगेगी, कड़वी तुम्हें लगेगी मगर एक जाम और, कड़वी तुम्हें लगेगी मगर एक जाम और, इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और। हैरान थे अपने अक्स पर घर के तमाम लोग, हैरान थे अपने अक्स पर घर के तमाम लोग, शीशा चटक गया तो हुआ एक काम और, शीशा चटक गया तो हुआ एक काम और। गजल का आखिरी शेर अर्ज है, सुनिए। उनका कहीं जहां में ठिकाना नहीं रहा, उनका कहीं जहां में ठिकाना नहीं रहा, हमको तो मिल गया है अदब में मुकाम और, हमको तो मिल गया है अदब में मुकाम और। तो कैसी लगी आपको ये गजल मुझे बताइएगा। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए घंटी का आइकॉन टच कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा और सारे नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। प्रभु इच्छा हुई तो जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, वंदे मातरम, जय हिंद।